सबसे पहले तो ये कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा रखा क्वेश्चन में उठा रहा आपको याद होगा ये बिल्कुल वही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 0.200 मीटर अबव द डेक के हिसाब से बना। अब देखिए लुक क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें अ पॉइंट बी जिसको आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं ओपी ना विच इज एक्स मीटर हाई अबव द लेक एस सी आपका दिस इज फॉर क्लाउड इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट आपका देखो नाम ये अल्फा ये बना रहा है लाइन ऑफ साइट आपका एल ऑफ एस का मतलब लाइन ऑफ साइट देखिए आपका ना सपोज इट्स हाइट अबव द वाटर सरफेस सरफेस ऑफ वाटर है वाटर सरफेस आपका देखो ना ये कंप्लीट आपका ना वाटर सरफेस ये कैपिटल एच है देखिए आपका ना एंड दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये देखो इतना आपका ये एच हो जाएगा नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनकी आपकी एक्स मीटर हो जाएगी एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्लाउड ऑन द लेक इज ये आपका सी डैश हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड आपका ना ये हो गया एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ये देखिए ये एंगल आप देखिए ये डिप्रेशन आपका ये बीटा नीचे बन रहा है नाउ द लाइन ऑफ साइट आपका देखो नीचे है आपका नाउ देखो दिस ना ये जो अबव द जितनी ऊपर होगी उतना ही आपका नाउ इसका रिफ्लेक्शन इसके क्लाउड के सेंटर जो आपका दे रहे हैं आपका ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड लिखा हुआ साफ साफ एंगल बीटा लाइन ऑफ साइट देख लीजिएगा आपका नाम देखो तो कल आपने ये प्रूव किया था अगर आपको याद होगा चेक कर लीजिएगा इसकी हाइट जो आपको कल टू प्रूव कर रही थी दैट वाज एच टेन क्या है बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन अपॉन टेन बीटा माइनस टेन टेन बीटा माइनस टेन इन मीटर ये आपको प्रूव करना था जो आप ने कल किया। अब देखिए अब ये कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है सपोज आप किसी कॉम्पिटिशन में गए ये सवाल ये प्रूव करने के लिए नहीं आया उसने ये बोला कि ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक अब यानी कि इन प्लेस ऑफ एच उसने आपका देखो 200 मीटर दे दिया आपका देखो क्लियर नाउ अबव द लेक इज एट 30 डिग्री ये तो अल्फा था देखो आपका नाम ये 30 डिग्री है एंड नाउ एंड द टॉप आपका एंड द डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन और इसका रिफ्लेक्शन जो है आपका नाम देखो दिस था 60 डिग्री उसने क्या दिया कि द हाइट ऑफ क्लाउड ये तो प्रूव करने के लिए था अब यहां पे आपको इसका इसमें से विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट जो ओमर सीट में भरते जो अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा उसमें आपका ये इज द हाइट मतलब इन चार ऑप्शन द फोर ऑप्शन आर 225 मीटर 250 मीटर 250 मीटर दिस इज 300 मीटर 400 मीटर कौन सा आएगा ये इसमें ये बोल रहा है और अगर ऑप्शनल नहीं होता ऑफलाइन होता तो ये कहता कि ना फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लाउड और ये कुछ नहीं होता आपके पास दोनों में अंतर इतना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड में ऑप्शन नहीं होगा और जब फाइंड हटा करके आपको पूछेगा कि द हाइट ऑफ द क्लाउड इज आउट ऑफ विच वन कौन सा है तो देखो अब ये देखो आपके पास है कॉम्पिटिशन लेवल अब आपने 10th में जिसने रेगुलर पढ़ा होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री को हाथ लगाया होगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस की होगी उसको ये याद होगा अब ये याद किसको होगा जिसने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी जो वास्तव में डिजर्व करता है 10th के एग्जाम देने के लिए आज की तारीख में नहीं है जो 10th में वास्तव में डिजर्व करता है जिसने साल भर प्रैक्टिस की है तो वो क्या करता देखो आपका तुरंत यहाँ पे देखो ये करता कॉम्पिटिशन लेवल का है उसको पता
दूसरा एक चीज उससे पहले देखो, ये 30 है, ये 30 का ट्वाइस कितना हो गया 60, 30 का ट्वाइस 60 हो गया, एंगल आपका देखो जब डबल होगा इसका मतलब ये हाइट आपकी देखो 400 मीटर आनी चाहिए, इसका आंसर 400 मीटर हो, क्योंकि एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीज हियर आपका ना, देखो तो ये जो हाइट है फ्रॉम द अबव सरफेस ऑफ वाटर, दिस बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज 200 मीटर फ्रॉम दिस वाटर सरफेस, इसका मतलब टोटल हाइट, द वर्टिकल हाइट फ्रॉम दिस वाटर सरफेस टू द क्लाउड, ये आपका 400 मीटर। एक तो ये है जो बच्चे तुक्के मारने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी तुक्का इज लाइक ए मुक्का, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट जैसे कहते लोग मोस्ट इज लाइक ए घोस्ट, आ गया ठीक है, नहीं तो फिर भूत बन करके ही बाहर आ गया। तो देखो अभी आप सीधा सीधा देखिए, अब मैंने किया था, मुझे ये याद था तो हाइट ऑफ अगर क्लाउड ये इसे करो एच, देखो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा ओवर, ये देखो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, अब आप एच 10 बीटा 1060 माइनस देखो ये 1030 अल्फा, देखिए आपका ऊपर खुद फिगर मैंने बना दिया, एक प्लस होगा और ये नीचे माइनस 10 बीटा, अगर 10 बीटा और माइनस 10 अल्फा, यानी 10 बीटा का मतलब 60 डिग्री, एच 200 लिख देते हैं आपका, देखो आप देखो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ओवर आपका ना प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन, तो 200 इंटू रूट 3, रूट 3 था 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ओवर रूट 3 बन जाएगा, रूट 3 रूट 3 था कंप्लीट 3, ठीक है। ए बाई बी एन बाई सी बाई डी, इसे बड़ा देखो ए डी बाई बी सी रूट 3 से रूट 3 मैंने बिल्कुल वॉक किया पर सुना ऐसे देखो 200 इंटू 3 प्लस 1 इज 4 ओवर 3 माइनस 1 इज 2, 200 जा 400 मीटर मिला। ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हम कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर में आ गया आपको तुरंत, वहां तो देखो जो आपका 10th के एग्जाम में आएगा वहां तो पूरा प्रोसीजर के साथ करेंगे आप, फर्स्ट 1030 इज इक्वल आपका देखो ये कंप्लीट हाइट एच है, जो एच है इसको आपका देखो इतना एच माइनस एच ओवर आपका ये देखो आपका एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स है, उसके बाद 1060 निकालिए ये पूरा आपका स्मॉल एच प्लस ए तो के रिफ्लेक्शन के साथ आपका ओवर एक्स, एंगल के सामने आपका देखो परपेंडिकुलर होता है, या मैंने कल ये भी कहा था आपको नाम देखो जैसे कि इसको आप क्या करिए इसको परपेंडिकुलर ये नीचे बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पे से आपका देखो इसमें से परपेंडिकुलर आपने कर दीजिए आपका ये 60 है ये भी 60 हो जाएगा, देखो इंग्लिश का जेट इन्वर्टेड हो तो ये अल्टरनेट एंगल्स आपके होते हैं आपका देखो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड व्हाट हैपेंस तो एंगल मेड आउट तो जो एंगल आपको याद होगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू आपका देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखते हैं एक्चुअल में दीस आर द अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं याद रखिए क्यों किधर यहां अगर आप देखेंगे ये पी था
तो शायद मैंने आपका सी ऊपर बनाया, ए यहां मैंने लिखा था, ये मैंने कल भी डी लिखा था, ई जो भी हो बारह इससे नहीं मतलब बारह मतलब ई। अब आपका देखो क्यों बना है, क्यों देखो बी ई, देखो बी ई बी ई इज पैरेलल टू आपका ना देखो दिस इज द ए डैश सी डैश एंड आपका देखो ना बी सी डैश इज अ ट्रांसवर्सल। I always said to my either the student of the 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, कि कोई भी class में जब आप जाते हैं, तो you have to maintain your class, but you should not forget your junior classes, क्योंकि junior class से ही आपका brain develop होकर के आता है, ये याद रखिएगा। आप जितना अब आपने 9th, 10th तो पढ़ा ही नहीं, 11th में आप मेहनत करने जा रहे हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन नीचे का तो सब भूल गए ना, पहले तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपका नाम देखो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, देखो ये सवाल जो मैंने आपको बताया इसी को ये जोड़ करके देखो। क्लियर हो गया? तो देखिए आप देखो इसी पर अब देखिए ना सेम सम में आपने हाइट, देखिए हाइट आपने कल निकाली है, इसी में मैंने आज कॉम्पिटिटिव सवाल आपको बताया। अगर आपको ये पता है देखो ना इसमें हो सकता है वो आपको ये भी बोल सकता है आप मुझे प्लीज आकर देखो अब इसी में कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बना लेंगे। देखो अपन कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसी में कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अपन एनी पहले तो देखो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव द लेक, बिल्कुल वही क्वेश्चन है देखो आपका इज अल्फा and the angle of its reflection on the lake is beta, prove that the distance of a cloud, अभी तो distance of a cloud है आपका ना देखो ये आपका ये निकालना है आपको और वो निकालना क्या है देखो आपका ये जो आप देखेंगे ये line of sight में नीचे लिख देता हूँ line of sight ये ऊपर arrow जा रहा है तो नीचे से ऊपर आप देखेंगे your inclination is from lower point to the higher point आपका ना where I am standing मैं यहाँ खड़ा हूँ and I am looking that point आपका that corner आपका which is at the top. So my eyes which are making the angle of elevation with that आपका ना अगर मैं वहां पर मैं आपसे यहां देख रहा हूं नीचे आपका I am just looking the foot of that mace that table तो वो जो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि नीचे देख रहा हूं नीचे देखने का मतलब डिप्रेशन आप समझ रहे तो ये चीज आपका। अब देखिए कभी कभी बच्चा कैसे अटकता है अटकना भी बताता हूं मैं फिर ये आपने फिगर बनाया कैपिटल एफ फिगर इसके बाद दूसरा बी पॉइंट जो आप लिखेंगे वो आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है अपनी ओन लैंग्वेज में एक्चुअल में आज का बच्चा आज का टीचर इसको बिल्कुल दिमाग से उतार ले रहा है एक्चुअल में ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट्स आपका नाम कि हाउ मच इंग्लिश यू नो टुडे। अब आप कहेंगे हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं हमें मैं रोज की प्रॉब्लम देख रहा हूं डेली आई यूज टू मीट 500 टू 1000 टीचर बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द रोड। यहां से जब बाहर निकलता हूं मेरे आगे देखो अभी आप बाहर जाएंगे देखो आपका कितनी स्कूटी लगी है ये सारे हिंदी मीडियम स्कूल के टीचर्स थे जितनी भी बसेस आपके सारे इंग्लिश मीडियम के आइदर निर्मला सेंकरेजा बी शिवा आपका नाम बिरला महर्षि जिम कॉर्बेट एबीएम निमोनिक गुरुगुड सारे का स्टैंड मेरे कोचिंग के आगे से देखो सबको पता है रावत सर मुझे भी पता है ये इस स्कूल का टीचर नाम बने मेरा मतलब ये आपका ना देखो आपकी औकात भी बताएगा मेरी औकात भी बताएगा और स्कूल की औकात भी बताएगा। इंग्लिश इज नॉट ओनली टिल दियर आई एम गोइंग मैम आई एम गोइंग सर May I go out, sir? Can I take my lunch? इसी में नहीं है इंग्लिश तो बहुत बड़ा vast knowledge है ना When we see the dictionary, we have to make first of all the catalog inside our brain. फिर grammatical portion हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो ये आपका पूरा बता देता है कि मास्टर ओके चिल्ड्रन ओके सारे ओके इधर इसके बाद सी कंसाइज कॉस्ट कल्चर ये जो एक्सप्लेनेशन होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो
जिसको आप एग्रीगेशन फॉर्म कहते हैं, यानी कि इट इज अ डबल फिगर। डबल फिगर में आपका क्या होंगे, एक्सेलरेशन में आपने तो बना, इसमें थ्री नॉन क्वांटिटी होंगे, ठीक है ना, क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं आप आपका टी आई एस, और ये आपके दो अननोन क्वांटिटी होंगे, और यही जनाब हमें फाइंड आउट करनी होगी। इनको यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद हम चौथे स्टेप पे आते हैं, एवोल्यूशन, अवलोकन करना। यहां पे गो वेरी डीप, व्हाट इज योर कंसंट्रेशन अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द एवोल्यूशन। इसीलिए वर्किंग स्टोरेज सेक्शन भी आपका हुआ है, रिमार्क वर्किंग स्टोरेज या वर्किंग सेक्शन। पहले एक लैंग्वेज आती थी कोबोल, कोबोल बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज ऑफ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद ये आई, इसमें सारा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता था, ये जैसे ये लिखा इसको ऐसे कोबोल ऐसे नहीं लिखते, ये स्टैंडर्ड आता ना, इसमें चार सेक्शंस होते थे। ये आपका इट इज ए लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं बेसिक के बाद, सेकेंड आप कह सकते हैं कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज हुआ। जो आप प्रोग्राम बनाते थे कंप्यूटर में आप ना, उनको चार सेक्शंस पे आप बनाते थे, वो जो लास्ट वाला वर्किंग सेक्शन ये हुआ है। तो दैट्स व्हाई कैलकुलेशन लिख दिया, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब आपकी आकलन आपकी परफेक्ट है, योर नॉलेज इज परफेक्ट, योर नॉलेज इज वास्ट। मैंने कभी नहीं बोला अपने बच्चे को, मेरा बच्चा चाहे मेरी बेटी हो चाहे आप लोग हो, मैं कहता हूं कि आपकी नॉलेज 100% से ऊपर होनी चाहिए। अगर बल्कि इफ यू आर गेटिंग आपका 98-90 देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन व्हाई आई एम सेइंग लेकिन, लेकिन बट किंतु परंतु, इतना बड़ा महाभारत हो गया उससे। यहां पे भी क्या है, कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू गो एट द टॉप, अगर आप टॉप में जाना चाहते हैं, आइदर यू वांट टू गेट द फर्स्ट रैंकिंग, फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास, आपको यू मस्ट हैव टू डू मोर प्रैक्टिस फॉर गेटिंग मोर मार्क्स इन द क्लास। तो ठीक है, एकेडमिक में नहीं आया, कॉम्पिटिटिव में तो लाना ही पड़ेगा ना, वो चीज। तो दैट्स व्हाई इट इज एवोल्यूशन, किसी चीज का पुनर्मूल्यांकन से लेके लास्ट तक के स्टेप तक आपको उसको क्लियरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको क्लियर हो गया। अब आप कहते हैं क्या होता है, अब चेक करते हैं। फर्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ई बी सी, ई बी सी क्यों, क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपने जो लिखा अपने कॉपी में इसको कल आपने अपने कैमरे से खींचा हुआ है, इसको घर में जाकर के बिल्कुल परफेक्ट देखेंगे, क्लियर। तो ये आपका ई बी सी आपका नाम निकल जाए, टेन अल्फा इज इक्वल आपका परपेंडिकुलर पर, एंगल के सामने इन फ्रंट ऑफ एंगल दैट इज योर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो व्हाट ई सी, ई सी ओवर आपका नाम ई बी। ये भी लिखने का एक सलीका होता है, ये नहीं कि जहां मर्जी आ रही वहां लिखो, हम गलत करते हैं तो आप गलत करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ना देखो जैसे तो tan alpha is equal to EC H minus H, कई बच्चे उसको H dash भी करते हैं, पहले बना जैसे उसको नहीं करते, उसको अगर मैं H dash लिख देता तो भी आपको, ठीक है। तो आप इसको जो भी मर्जी हो आप वैसे कर देते, इसको H dash कर देते, इसको H कर देते, तो ये आपका H dash plus H, आपकी मर्जी है। ये कोई जरूरी नहीं लकीर का बगैर कि रावत सर ने ऐसा किया, तो देखो ये मैंने एच डैश कर, ठीक हो गया। तो देखो ये आपका इतना पोर्शन क्या हो गया, ये आपका देखो कितना, ये एच तो है ही दिया हुआ, देखो तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखो एच डैश प्लस एच हो जाएगा, क्लियर है, मतलब लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसी एच डैश होगा आपका, देखो बराबर आपका, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि अब आपका ये हो गया पुत्र, अब आपका क्या होगा, x इज इक्वल आपका नाम देखो एच डैस ओवर टेन अल्फा ए, दिस इज व्हाट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन,
equation number 1 again. X was replaced by 10 alpha, and tan alpha is replaced by x alpha. Second, ये चलो एंगल आप एलिवेशन लिखा हुआ देखो अपना साफ साफ है ये नहीं कि मर्जी आ रही है लिख रहे सी बी ई क्यों लिखे भाई सी बी ए ठीक अब आप देखो एन राइट एंगल ट्राइंगल आप देखो ई बी सी गाइस ई बी सी गाइस आप देखो यहाँ पे त्रिभुज एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है तो नाम अब आपका क्या हो जाएगा बेटे एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा या अल्टरनेट एंगल आपका स्पेसिफाई करके अगर ये आपका देखो इसमें भी अगर आप लिख देते बीटा तो टेन बीटा इधर देखो ये एच और ये देखो आपका ये एच डैश हमने लिख दिया ठीक है ना ये देखो इतना एच डैश है इतना एच है तो यहाँ पर देखो एच डैश प्लस एच वन क्लियर है इतना h डैश इतना h तो ये आपका पूरा आपका रिफ्लेक्शन वाटर सब h प्लस h डैश वन ही हुआ इसका कंफ्यूजन मत करिए लीजिए ये मैंने अभी मैंने चेंज कर दिया सर ये c का e तक होगा ना हाइट यहां तक है c यहां क्लाउड यहां है नहीं c डैश का सिर्फ b तक है हाइट हां जी जो पानी के नीचे रिफ्लेक्शन का मतलब जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा दैट इज फॉर द रिफ्लेक्शन और बेस उसका x वो होगा b हां इस ट्रायंगल के एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ये बेस ही होगा बेस दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के लिए सेम होगा द बेस फॉर बोथ द ट्राइंगल्स आइदर दैट इज द लार्जर वन और द बिगर वन दिस इज नॉट अ पॉइंट बेस सेम होगा हाइट आधी नहीं है आधी क्यों होगी आधी किसने बोला इतनी इतनी ये है इतनी ये है आधी क्यों बोल रहे हैं जैसे आप बी से बी सी तो सी अरे यार ये तो रिफ्लेक्शन यहां से वाटर से ऊपर के सरफेस जितना ऊपर तभी तो जितना हाइट से ऊपर होगा उतना ही तो नीचे पानी के तले के नीचे आपका उतना तो रिफ्लेक्शन का मतलब कहता हूँ सेम आपकी जो इमेज बनती है दैट इज फॉर द रिफ्लेक्शन द हाइट व्हिच इज अबव द वाटर सरफेस टू द क्लाउड द रिफ्लेक्शन विल बी एट द सेम हाइट बिलो द वाटर अंडर द वाटर इनसाइड द वाटर आया समझ में yes. हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल गलती कहीं नहीं होनी चाहिए इस समय आज मैंने क्या कर दिया इसको एच डैश ले लिया कल तक मैंने इसको पूरा क्या किया था पूरा कैपिटल एच लिया था तो ये आपका क्या था इसको लिखा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आज मैंने लफड़ा ही आपका खराब होता मैंने इसको एच डैश इसको मतलब मैं सारी चीजों से आपको अवेयर कराना चाह रहा हूं लकी के बगल हमने तो ऐसे ही करना है तूने ऐसे ही करना मैंने तूने प्रैक्टिस ही नहीं बड़ी तो हमने बाहर जाओ अभी हो गया बिल्कुल घबराइएगा नहीं जहां पे नहीं आएगा आपका यू प्लीज आस्क मी टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस एंगल के सामने दिस इज द कंप्लीट परपेंडिकुलर एंगल के सामने दिस इज द कंप्लीट परपेंडिकुलर व्हेन टू लाइंस पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन सो द एंगल टू मीट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन लिखना पड़ेगा अगर आप इसको लिखेंगे अगर आप इसको दिखाएंगे ये याद रखिएगा मैं किसी को देखकर नहीं आप अगर इस वाले ट्रायंगल में लेते ए सी बी में लेते आप तब भी टेन बीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर ए लेते बेस लेते समझ लिए दिस एच प्लस एच डैश आपका हो जाता बेस दिस इज एक्स ये भी एक्स तो ये भी आपका एक्स ही तो होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए इसको लिखने से पहले बिफोर दिस आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन और ये इज इक्वल टू तब आपको बीटा देना पड़ेगा अब आप ज्योमेट्री इसमें घुसेड़ना चाहते हो तो देखो BE is parallel to आपका देखो A dash C dash BE is parallel to A dash C dash and BC dash is a transversal line TFT तब आप यहां आएंगे अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे Have you got my point? Okay, तो देखो तो 10 बीटा इज बड़ा परपेंडिकुलर अब देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका E B plus B C dash over upper E. This is the complete perpendicular. This is H. This is H. So B E is perpendicular on C D. It's making a rectangle. Hello? Is it okay?
Now, so tan beta is equal to ED is H. ED plus DC? DC. DD and DC dash. Yeah, dash A dash. Yeah, dash A. So H plus H dash plus H. ये एक बड़ा ट्राइंगल है ना, इतनी हाइट, और ये जितना वाटर से ऊपर उतना नीचे, एच डैश प्लस एच विल बी जस्ट एडेड और इंक्लूडेड टू दिस स्मॉल एच, तो दिस 10 बीटा कैसे बन गया 1 एच एंड 1 एच 2 एच ठीक हो गया, और प्लस एच डैश ओवर ठीक x is equal to आपका देखो 10 beta sorry x is equal to 2h plus h dash over 10 beta by cross multiplication 10 beta अटकते भी है इसमें देखिए अभी आपका अब आपका देखो हो गया clear हो गया अब यहाँ पे देखो आपके हमारे पास दो चीजें अब आप कहेंगे दो चीजें क्या है देखो यहां भी क्या है एच डैश देख लीजिए आप अब मैं अटक गया तो मैं अब क्या करूंगा ओह कैसे होगा यार मेरे दिमाग में कैसे होगा बिल्कुल अच्छी तरह से होगा देखो या है तो देखो मैं यहां से जा रहा हूं देखो एच डैश इज इक्वल टू एक्स टाइम अल्फा ये देखो मैंने इसको चेंज कर दिया अब यहां देखो यहां भी मैंने क्या किया देखो आप बना देखो जैसे अब इसको x tan बीटा इज इक्वल टू एच देखो और प्लस h डैश आपके ऊपर गया आप देख रहे हैं मेरी बात तो देखो x tan बीटा और माइनस 2h इज इक्वल टू h डैश देखो इफ वी हैव टू फाइंड आउट बेस तो हाइट को आप हमेशा इक्वलाइज करेंगे देखो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 कभी फंस जाते हैं तो देखो कैसे करते हैं देखो फॉर आपका देखो एच डैश इज इक्वल टू आपका एच डैश द वैल्यू ऑफ दिस एच डैश इज एक्स टेन अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ दिस एच डैश इज भालो 2x is equal to x tan beta minus x tan alpha so 2x is equal to the first rule of mathematics to take common 10 beta minus okay अब आप इसको 2x over 10 beta minus 10 alpha is equal to x. अब देखो थोड़ा देखिए ये आया थर्ड इक्वेशन आ गया अब देखो ये फिर थर्ड अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ईबीसी फिर ये छोटे वाले ट्राइंगल में आप फिर दोबारा लेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकाले यहाँ पे दो रास्ते आइदर यू कैन अप्लाई हियर कॉस और सेक बिकॉज कॉस एंड सेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं आपका ठीक है तो ना अब यहाँ पे मर्जी है आपकी तो अगर आपने किया कॉस अल्फा इज इक्वल तो बेस ओवर आपका क्या होता हाइपोटेन्यूज क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता साइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा टेन का रेसिप्रोकल कॉस थीटा कॉस थीटा है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एंड साइन थीटा बहुत आते हैं इसे पढ़ो पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम तो हो गए बर्बाद तो यू सी द कॉस थीटा इट इज कमिंग इन अ सेकंड द बेस ऑफ राइट ऑफ कोस व्हाट इज बेस बेस क्या है ईबी ईबी और आपका क्या था बीसी ठीक हो गया तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू देखो ईबी इज व्हाट एक्स
और व्हाट इज दैट BC को ले लेंगे, ठीक हो गया। तो देखो ये ऊपर गया, x इज इक्वल टू BC cos alpha, देखिए फोर्थ अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर फॉर x, यानी कि देखो x इज इक्वल टू x, x की वैल्यू देखो अपन 2h ओवर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल BC cos alpha, द वैल्यू ऑफ x इज हियर, द वैल्यू ऑफ x के बच्चे तो देयर इज नो नीड ऑफ अपन ऑफ थ्री बुक्स थ्री रेफरेंसेस बुक्स, एक रेफरेंस बुक आपके पास हो और उसको अपने अच्छी तरह से अपने बिल्कुल ऑनेस्टली यू हैव प्रैक्टिस ओवर दैट। परफेक्शन तभी आता है, पी फॉर परफेक्शन, जब पी फॉर दिमाग की पावर लगाओगे, याद रखेगा, समझ रहे ना, तो वो आपका वहां पर एसेट क्लियर फाइन। तो देखो ये आपका एक ही सवाल में आपने ये भी प्रूव किया, एक ही सवाल में इसके कॉम्पिटिटिव में आपने इसका 400 भी निकाला, उसमें एंगल अगर आपका एंगल ये आपका 30 और ये जस्ट उसका 60 हो जाता है, अगर ये 100 होगा तो ये पूरी 200 हो जाएगी, अगर ये 200 होगी तो पूरी 400 हो जाएगी। एंगल इज इंक्रीजिंग सो हाइट इज ऑल्सो इंक्रीज, अगर ये पूरी उसने 200 उन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट निकाली है अबव करेंगे तो सीधा अगर ये 30-60 है और ये आपका 400 तो सीधा 200। मैं तुक्का मारना नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तब। मैंने तो एक सवाल में आपको ये भी प्रूव करना सिखाया, मैंने इसी सवाल में आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना भी सिखाया था, आपने इतने मेथड मैंने बताया, इसमें भी देखो मैंने कहा नहीं पता चला बच्चा फंस गया तो इसने मतलब देखो इतने हाइट को एच डैश ले लिया, इतने को एच ले लिया, हो सकता था मैं इसको कंप्लीट एच लेता, इसको कंप्लीट एच, ये स्मॉल है तो इसको मैं एच माइनस एच लेता, हो सकता मेरा बच्चा फंस सकता, तो मैं ऐसा काम नहीं करूं। इज इट क्लियर फाइन, तो ये था, प्लीज डू इट।